दोस्तों, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ही प्रयास हैं कि आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योगा डे जो है इस उत्साह से मनाया जाता है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में हर साल लाखों की तादाद में जो है वो पर्यटक आते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो इस स्थली की जो है, ये जो दिव्य स्थली है, ये जो अलौकिक स्थली है जहां पर ऋषि मार्कंडेय से लेकर मनु ऋषि से लेकर शिव पार्वती, पांडवों से लेकर ऋषि वेद व्यास जी ने ना जाने कितने जो है दिव्य व्यक्तित्व ने जो है यहाँ पर तपस्या की है, वो इस स्थली की जो है अलौकिकता, इस स्थली की दिव्यता और संभावनाओं का जो है पूरे रूप से जो है लाभ नहीं उठा पाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में मंडी क्षेत्र में कोई भी योग संस्थान नहीं है। तो 24 जून को जब मैं एक मंडी के सांसद होने के नाते अपनी शपथ लूंगी, उसके बाद मेरा सबसे पहला प्रयास यही रहेगा कि यहाँ पर एक वैश्विक स्तर का जो है योग संस्थान हो, जहां पर पर्यटक आकर ना कि सिर्फ योगा सीखें, जबकि अच्छी वायु का, अच्छे खाने के साथ में जो है योग और आयुर्वेद के सहारे से जो है वो डिटॉक्स करें, हमारी जो संस्कृति है, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे वो फोक हो, चाहे वो कोई और नाट्य शास्त्र हो, उसके लिए भी मैं चाहती हूँ इस जगह पर जो है बाहर से, देश विदेश से लोग आए और इसका आनंद उठाएं। और जिस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने जो है हमारे उपनिषदों, हमारे वेदों को बड़े ही एक्सेसिबल तरीके से जो लिखा है, वहां पे छोटे छोटे कोर्सेज जो हैं वो हमारे वेदों और उपनिषदों को लेकर भी हों, ताकि ये जो हमारा हिमाचल प्रदेश का जो मंडी क्षेत्र है पूरे विश्व में जो है एक सनातन के चिन्ह से जो है वो जाना जाए। आपको मेरा ये सुझाव कैसा लगा? क्या मुझे इस पर प्रयत्न करने चाहिए? अपने सुझाव जरूर मुझे लिखें। धन्यवाद।